अच्छा आप इस ट्राइंगल को देखें जो मैंने उल्टी बनाई है। ट्राइंगल की बेस सबसे ऊपर रखी है मैंने, क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्राइंगल का। तो सेंटेंस हमारी ग्रामेटिकल हायरार्की, हायरार्की होती है दर्जाबंदी, हमारी रैंकिंग में सबसे ऊपर है जी, सबसे बड़ा पार्ट है। इससे छोटी होती है क्लॉज ट्राइंगल का, उससे कम हिस्सा उसके पास है। उससे छोटी होती है फ्रेज ट्राइंगल का, उस क्लॉज से कम हिस्सा फ्रेज के पास है। उससे भी छोटा होता है एक वर्ड, और सबसे छोटा हमारा जो ग्रामेटिकल हायरार्की का पार्ट है, दैट इज मॉर्फी। ठीक हो गया जी। खाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने माइक ऑन किया है अपना। खाली साहब मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है, और अदरवाइज आप जल्दी से अपना माइक खुद म्यूट कर लें, क्योंकि मुझे लाजमी तौर पे फिर सेटिंग्स में जाना पड़ रहा होता है, और वहीं से सारी सेटिंग्स में कर रहा होता हूँ। तो अपने माइक साहब म्यूट रखा करें। आप लोगों को ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा होता है इन दिनों कि चलें, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन डायरेक्ट करना है तो आप इजीली कर सकें। ठीक है जी। जहांगीर साहब भी आ रहे हैं हमारे पास, थोड़ी देर में ज्वाइन हो रहे हैं इस वक्त। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं अपने। मुझे लगता है कि एक काम वही करना पड़ना है, माइक्स आप लोगों के मुझे खुद ही सबके म्यूट करने पड़ने, ताकि आप लोग अनम्यूट ना कर सके। लें जी, यू ऑल आर म्यूटेड जी। तो अब मैं जब कहूंगा आप तभी म्यूट कर पाएंगे, अनम्यूट अपने आप को, और उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे मेरी इजाजत के बगैर। अभी तक मैंने अलाउ किया था चले, लेकिन उसका थोड़ा सा लोग अभी प्रॉपर नहीं कर सके उसको फॉलो। अच्छा, जो हमने पढ़ लिया अभी तक कि सेंटेंस सबसे बड़ा पार्ट है हमारी ग्रामेटिकल हायरार्की का, दर्जाबंदी का। उससे छोटी क्लॉज होती है, उससे छोटी फ्रेज, उससे छोटा वर्ड, और सबसे छोटा हमारा ग्रामेटिकल हायरार्की का, दर्जाबंदी का, रैंकिंग का पार्ट होता है जी मॉर्फी। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू ही सबसे छोटे से करते हैं। अच्छा, इससे भी छोटा होता है, लेकिन वो साउंड का यूनिट आ जाता है फोनिम, फोन। लेकिन हम मॉर्फिम की हद तक ही अपने आप को रखे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जो फोनिम है वो फिर साउंड्स में चला जाता है काम, और हम साउंड्स जो है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेट मी चेक, किसी पार्टिसिपेंट का माइक ऑन तो नहीं है। खालिद साहब का माइक ऑन ही था, और मुझे फिर म्यूट करना पड़ गया। चलिए, असल में खालिद साहब का पहले से ऑन था तो वो ऑफ हुआ ही नहीं था। तो मॉर्फीम सबसे छोटा पार्ट है जी। होती क्या है मॉर्फीम ग्रामेटिकल हायरार्की का, इसको सबसे छोटा पार्ट क्यों कहते हैं और देखते हैं। इन लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक मीन साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स। अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा छोटा ग्रामेटिकल यूनिट होता है वो मॉर्फीम। देखो, जो फोनी मैंने बोला वो साउंड का सबसे छोटा यूनिट है, वो ग्रामर का सबसे छोटा यूनिट नहीं है। तो एवरी वर्ड कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर मॉर्फीम। जितने भी आपके वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, या तो उनमें एक मॉर्फीम होगी या टू और मोर मॉर्फीम्स मौजूद होती है। तो मॉर्फीम्स अभी देखते हैं, उसकी काइंड से आपको बात समझ आएगी। फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम क्या है? कम, लव, इन, इन प्रेपोजिशन भी तो एक वर्ड ही है ना। तो देखो, कम एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है। आप कम को मजीद छोटा नहीं कर सकते, इससे छोटा करोगे तो अल्फाबेट बन जाएंगे, अल्फाबेट ग्रामर का पार्ट नहीं बनते। लव, लव को आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, एल ओ वी में ब्रेक करेंगे तो वो अल्फाबेट बन जाएंगे। इन को आप मजीद ब्रेक नहीं कर सकते, अल्फाबेट के लेवल जाना पड़ेगा। इसका तो कम, लव और इन हमारी मॉर्फीम्स हैं, और ये फ्री मॉर्फीम्स हैं। इनको मैं फ्री मॉर्फीम्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एज अ सेपरेट वर्ड स्टैंड कर सकती हैं। मॉर्फीम की दो काइंड्स देख रहे हैं, फ्री और बाउंड। फ्री मॉर्फीम एज अ वर्ड स्टैंड कर सकती है, एज अ वर्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है। और नेक्स्ट आते हैं बाउंड मॉर्फीम। तो बाउंड मॉर्फीम के नॉट स्टैंड एज अ सिंगल वर्ड। अन, अन अक्सर लगा होता है ना वर्ड्स के शुरू में, एस या ई एस लगा होता है वर्ड्स के एंड पर, इंग लगा होता है वर्ड्स के एंड पर, ईडी लगा होता है, जैसे प्लेड, जैसे प्लेस, जैसे प्लेइंग। ठीक है जी। अनएक्सेप्टेबल, तो एक्सेप्टेबल के शुरू में अन लगा हुआ है, तो अन एक हमारी बाउंड मॉर्फीम है। इनको बाउंड क्यों कहते हैं?
because these morphemes cannot stand at their own, cannot stand as a word. They need some other morpheme to be attached with. They need some word to be attached with. They cannot exist at their own. तो ये bound है. और जो love, come, in, जैसे able, play, sing, teach, ये सारी हमारी free morphemes है. देखो teach को मैं मज़ीद divide नहीं कर सकता. Smallest grammatical unit है. Morpheme के level से कोई पूछने वाली बात है. Morpheme की मज़ीद understanding word में जाकर भी होगी. कुछ मज़ीद आप पूछना चाहते हैं? लें जी, हमें message आ रहा है. सर, ई एम डी ई एन ओ एन एटसेट्रा दीज आर ऑल्सो बाउंड मॉर्फीम्स आर नॉट. देखिए, ये अगर आप इन लगाते हैं, आई एन इन, आई एम इम लगाते हैं, ये भी तो मॉर्फीम्स ही हैं, ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं. इम देखो, इम्पॉसिबल, ठीक है जी. तो ये भी असल में मॉर्फीम्स. इनकम्प्लीट, आई एन इन, इनकम्प्लीट, तब जो इन है वो प्रेपोजिशन नहीं रहती, तब वो बाउंड मॉर्फीम है. लेकिन एज अ प्रेपोजिशन इन एक पूरा वर्ड है. देखो, इनको मैं अलहदा लिख सकता हूं ना, ही केम इन, तो इन एक अलहदा वर्ड के तौर पर मैं लिख लिया. पर ईडी कभी अलहदा लिख कर दिखाए, आई एन जी कभी अलहदा लिख कर दिखाए, एस ई एस कभी जुमले में अलहदा लिख कर दिखाए, ठीक है जी. कम तो वर्ड है, यस, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, मॉर्फीम से आगे वर्ड की तरफ जाएंगे. एस एन एजाज, यहीं से हमें आगे ना. बटरफ्लाई, अच्छा, जो बटरफ्लाई है ना, वो एक एनिमल का नेम है. आप ये नहीं कह सकते कि ये बटर और फ्लाई से मिलकर बनाया गया है, ऑल्दो है कुछ ऐसा ही, लेकिन चूंकि ये एक एनिमल का नेम बन गया, तो ये एक सिंगल मॉर्फीम पर कंप्राइज कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है जी. तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि बटरफ्लाई से मिलकर बना है. लेकिन मैं आपको वर्ड की तरफ लेकर जाता हूं, तो आपको और मॉर्फीम की समझ आएगी. वर्ड पे आते हैं. वर्ड क्या है? अ वर्ड इज अ मिनिमम फ्री फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज. अ मिनिमम फ्री फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, फ्री फॉर्म का मतलब जो आजाद स्टैंड कर सकता है. दैट हैज अ गिवन साउंड, मीनिंग एंड सिंटैक्टिक फंक्शन. इसका एक साउंड होती है पूरी, इसका एक मीनिंग होता है. देखो, मॉर्फिम का मीनिंग होना जरूरी नहीं है. फ्री मॉर्फिम के मीनिंग तो होते हैं, बाउंड मॉर्फिम्स के मीनिंग नहीं होते. और एक सिंटैक्टिक फंक्शन होता है. सिंटैक्टिक फंक्शन का मुराद के वर्ड लाजमी तौर पर कोई नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, या इंटरजेक्शन है. वर्ड का कोई ना कोई सिंटैक्टिक फंक्शन जरूर होगा जी. मॉर्फीम जो होती है ना, वो सिंटैक्टिक फंक्शन अपना नहीं रखती. अब आते हैं उस बात की तरफ. बच्चे ने कहा सर कम एक वर्ड भी तो है, उसी तरफ आते हैं. इट इज कंपोज ऑफ वन और मोर देन वन मॉर्फीम. इसके अंदर आपका आंसर है एसन आपके क्वेश्चन का. वन और मोर मॉर्फीम होती है. एक वर्ड में एक मॉर्फीम भी हो सकती है. कम के अंदर मॉर्फीम ही एक है. और कम को इसीलिए तो फ्री मॉर्फीम का है क्योंकि वो अकेला वर्ड बनने की सलाहियत रखता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्री मॉर्फीम. जितनी भी फ्री मॉर्फीम्स हैं वो मॉर्फीम भी है और वर्ड भी है. सारी मेरी फ्री मॉर्फीम्स वर्ड्स हैं. इनको मॉर्फीम क्यों कहा? क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ये समझ लो मॉर्फीम इंग्लिश का एटम होती है जी. एटम, एटम हम कह लेते हैं जी, फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा होता. ऑल्दो आज साइंस ने कहा है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जाकर प्लाज्मा के अंदर डिवाइड हो चुके होते हैं. तो मॉर्फीम कम एक मॉर्फीम है, लेकिन कम एक वर्ड भी है. जितनी फ्री मॉर्फीम्स हैं वर्ड्स भी हैं, लेकिन बाउंड मॉर्फीम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फीम्स हैं, वो वर्ड्स नहीं है. सिंगिंग, सिंगिंग के अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, सिंग और इंग, जिनमें सिंग फ्री है और इंग बाउंड है. और वाटर है ये एक मॉर्फीम, सिंगल मॉर्फीम, और ये फ्री मॉर्फीम है और वर्ड भी है. वाटर एक फ्री मॉर्फीम भी है, एक वर्ड भी है. और ड्रिंकेबल, ड्रिंक और एबल दोनों फ्री मॉर्फीम्स हैं. हमने दोनों चीजें देखी इन तीन एग्जांपल्स में. हमें सिंगिंग में एक फ्री और बाउंड मॉर्फीम ज्वाइन होती नजर आई. हमें वाटर में सिर्फ एक मॉर्फीम नजर आई जो कि फ्री थी और वो वर्ड भी थी, फ्री मॉर्फीम भी थी, वर्ड भी थी. और ड्रिंक एबल में हमें एक दो फ्री मॉर्फीम्स ज्वाइन होती. एबल एक अलहदा वर्ड आ जाता है, ही इज एबल, एबल अलहदा वर्ड लिखते हैं. एबल एक फ्री मॉर्फीम है, ड्रिंक भी एक फ्री मॉर्फीम है. तो दो फ्री मॉर्फीम्स मिलकर एक वर्ड बन रही है. तो दो फ्री मॉर्फीम मिलकर भी वर्ड बन सकती है. एक बाउंड और इंडिपेंडेंट मॉर्फीम भी मिलकर वर्ड बन सकती है, और अकेली एक फ्री मॉर्फीम भी एक वर्ड
कहला सकती है। लो जी वर्ड के लेवल तक चीजें क्लियर हो गई। ऑल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फिम्स, ऐसा नहीं है। ऐसे निजाज देखो एबल असल में हमारी जो है सफिक्स है, एबल, लेकिन वो एक फ्री मॉर्फीम है। हम नहीं कह सकते एसन के हमारी सारी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस बाउंड मॉर्फीम है। कुछ हमारी सफिक्सेस स्पेशली इंडिपेंडेंट मॉर्फीम के तौर पर आ जाती हैं। यस ये ठीक है साजिद अली, आपने बहुत अच्छा कहा कि एवरी मॉर्फीम कैन बी अ पार्ट ऑफ अ वर्ड बट एवरी वर्ड कैन नॉट बी अ मॉर्फीम। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी मॉर्फीम इज अ वर्ड, ये नहीं कह सकते। आपने कह दिया कि मॉर्फीम कैन बी वर्ड, हाँ कैन भी हो सकता है। सारी मॉर्फीम्स वर्ड्स नहीं होती, बाउंड मॉर्फीम से वर्ड्स नहीं होती। हाँ एवरी फ्री मॉर्फीम इज अ वर्ड एंड एवरी वर्ड कैन हैव वन और मोर मॉर्फीम्स। हर वर्ड के अंदर एक या ज्यादा मॉर्फीम्स होती हैं। एक मॉर्फीम है तो वही मॉर्फीम है, वही वर्ड है। डन हो गया जी। आई थिंक आप लोगों का मॉर्फीम और वर्ड दोनों में फर्क बड़ा अच्छा वाजे आ गया होगा। हमारी अच्छी बात हो जाती है, अच्छी बहस हो जाती है, बच्चे अच्छा साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाते हैं और साथ साथ हम इसरार आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। हैंड रेज करने से मुझे फौरन पता लग जाता है जी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है जी, तो आप क्वेश्चन पूछें जी। इसरार आपका मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप करना चाहें तो जी। इसरार सर, सर सफिक्स क्या होती है? सफिक्स ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, आपने आई थिंक वोकैबुलरी वाला लेक्चर नहीं देखा, हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट एक लेक्चर आया हुआ है, सेकंड पार्ट अभी उसका आना है, हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी, वो हमारे पेज पर भी पड़ा हुआ है हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी, और वो लिंक भी उसका फेसबुक के वो व्हाट्सएप के पेज में भी दिया हुआ है, तो लर्न एंड एंजॉय के पेज पर भी देख सकते हैं। नहीं तो आप रिजवान साहब से रब्ता कीजिएगा, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे, उसमें सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को प्रॉपर डील किया हुआ है। प्रीफिक्सेस आपने उर्दू के साहब के लाके सुने, आपको उर्दू से समझाता हूँ। उर्दू के साहब के लाके पढ़े हैं आपने? इसरार साहब चले, इसरार साहब की आई थिंक आवाज नहीं पहुंच रही। तो साहब के और लाके होते हैं जी, जो लफज के शुरू में आ रहा है वो प्रीफिक्स है जो उसको मीनिंग में कुछ ना कुछ इजाफा कर रहा है। जैसे अंडरस्टैंड है ना, तो मिस अंडरस्टैंड में जो मिस बनेगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा, और सफिक्स आपका लहका होता है जो लफ्ज़ के एंड पर आ रहा होता है। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट जो है वो एनोटेशन करना चाहते हैं, मैं एनोटेशंस हाइड भी कर देता हूँ और एनोटेशंस डिसेबल भी कर रहा हूँ। जो अगर आपने एनोटेट करना है तो आप मुझसे एक बार बात करें, मैं आप लोगों को एनोटेट करवा दूंगा, ठीक है जी। तो बेटर होगा कि आप एनोटेशन के लिए टीचर से रابطہ किया करें, और वो टीचर आप लोगों को जो है वो एनोटेट करवा देगा। मतलब जैसे आपने भी एंटर करने की कोशिश की है, तो मैं पॉइंटर ऑप्शन से खैर इसको रिमूव करता हूँ। चले पेन लिया है मैंने, पेन के बाद मैं अरेजर ले लेता हूँ। Where is Razor जी? Yes. चले इसको मुझे लैदा से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी हम। अच्छा मैं सफिक्स बता रहा था, सफिक्स एंड पर आती होती है। जैसे आपका नेशन है ना, तो शन एक आपकी सफिक्स है। शन जब किसी वर्ड पर आता है ना, ATION, तो वो नाउन होने का पता देता है। जैसे एबल आपका वर्ड की सफिक्स बनता है, ड्रिंकेबल, ठीक है जी। आप कह सकते हैं ईटेबल, तो वो आपका एबल सफिक्स बन रहा है, लाहका बन रहा है। आगे मूव करते हैं जी, मुझे एक मिनट स्टूडेंट्स जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। एनोटेशन एक लग चुकी है और ये एनोटेशन रिमूव होगी। यस यहां से, and here is our eraser, and yes now it is removed. चले good हो गया। तो मैं इसको off करता हूँ और screen दोबारा के ऊपर। Okay जी, word के ऊपर आते हैं जी, phrase के ऊपर।
अगर आप एनोटेट करना चाहते, एनोटेट होता है स्क्रीन के ऊपर, कुछ आप सर्कल करना चाहते हैं, आइडिया करना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर लिया करें हैंड रेज करके, सर मैंने स्क्रीन पर किसी चीज की निशानदेही करनी है, तो मैं आपको एनोटेशन की इजाजत दे दूंगा। अब फ्रेज पर आते हैं जी। अब फ्रेज इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। एक फ्रेज में एक या ज्यादा वर्ड हो सकते। देखें कैसे लिंक से लिंक बन रहा है। फ्री मॉर्फिम वर्ड बन पा रही थी, वर्ड के अंदर कम से कम एक मॉर्फिम होती है, हर वर्ड में कम से कम एक मॉर्फिम होती है, और हर फ्रेज में भी कम से कम एक वर्ड होता है। देखिए लिंक कैसे बन रहा है, हर वर्ड में एक मॉर्फिम और हर फ्रेज में एक वर्ड। फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फर्क क्या है कि वर्ड्स तो ज्यादा होंगे, इन द गार्डन, असलम विद हिज फ्रेंड्स, नुमान विद हिज स्टूडेंट्स, तो नुमान विद हिज स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। इट डजंट टेक अ कंप्लीट सेंस एंड इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसकी अपनी सेंस कंप्लीट नहीं होती और ये किसी सेंटेंस का पार्ट होती है। फ्रेज किसी सेंटेंस का पार्ट होती है, खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती। देखते ओवर द कोर्ट, विद अ ग्रेट स्पीड, वॉकिंग अलोंग द रोड। वॉकिंग अलोंग द रोड में वॉकिंग तो है लेकिन हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो ये फ्रेजेस हैं सारी की सारी। अगर आपको फ्रेज में से कुछ पूछना है बच्चे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आया जी, बच्चे ने पूछा है इकरान ने कि सर व्हाट आर नाउंस, आई थिंक सिंगल वर्ड कांट बी अ फ्रेज। सिंगल वर्ड फ्रेज हो सकती है बच्चे। ये अक्सर कहा जाता है, ये एक चीज बोल दी जाती है कि जनाब के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज। यही मैं आपकी यहीं से तो बेसिक ठीक कर रहा हूँ, और इसलिए मैं आप लोग जो बात करते हैं उसको डायरेक्ट पढ़ देता होता हूँ कि भाई सिंगल वर्ड फ्रेज हो सकती है। कैसे हो सकती है इस चीज को देख लेते हैं। बच्चा पार्टी, हर वो वर्ड जो आंसर बन सकता है ना, वो फ्रेज हो सकती है किसी भी चीज का। व्हाट आर यू ईटिंग, वो आगे से जवाब देगा ब्रेड, ब्रेड इज अ फ्रेज नाउन। आपने पूछा कि नाउन क्या होती है, भाई नाउन एक वर्ड है और हर वर्ड एक के अंदर कम से कम एक सिंगल मॉर्फिम जरूर होती है। मैं कहता हूं सेल फोन, तो सेल फोन में दो मॉर्फिम्स है, सेल एंड फोन। अकेला फोन कहता हूं तो एक ही मॉर्फिम है। फोन नाउन है, फोन वर्ब भी है वैसे, आई फोन हिम, आई टेलीफोन हिम। वॉकिंग अलोंग द रोड, सर इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस आई थिंक। वॉकिंग अलोंग द रोड, हमायूं आपने कह दिया इसको सेंटेंस, सेंटेंस आज हमने समझना है। वॉकिंग अलोंग द रोड में क्या सब्जेक्ट है हमायूं, मुझे बताएं जरा आप सैयद हमायूं शाहजी, शाहजी जरा ये बताएं कि वॉकिंग अलोंग द रोड में हमारे पास सब्जेक्ट है जो वॉक कर रहा है, नो। तो बेटा सेंटेंस कम से कम आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रखता है। देयर इज नो इंप्लाइड के कौन सेंटेंस है कौन नहीं है। इसरार साहब ने फिर हैंड रेज कर दिया है। इसरार साहब आप पहले दरमियान में से गायब हो गए और मुझे आगे चलाना पड़ा, लेकिन आप मैसेज कर दिया करें इसरार साहब, ताकि मीटिंग को तेजी से आगे ले जाया जा सके। मैं आपको लेकिन अनम्यूट कर की ऑप्शन दे रहा हूँ। बोले इसरार साहब क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपने कहा कि ये जो वॉकिंग अलोंग द रोड है, सो दिस इज नॉट अ वर्ब, वॉकिंग अलोंग द रोड, राइट? मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, वर्ब है तो वर्ब नहीं होता ना। हाँ हाँ सर, फ्रेज में तो वर्ब नहीं होता ना। फ्रेज में वर्ब नहीं होता? नो सर, नहीं ऐसा नहीं। फ्रेज में तो वर्ब होता ही नहीं, एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट कंटेन द वर्ब। यही तो एक मसला है जो डेफिनेशन हमारी बुक्स में गलत लिखी होती है डेफिनेशन। यही आप लोगों की आज ठीक करने जा रहा हूं। हमारी बहुत सारी सर, ये आपने जो वॉकिंग लिखा है ना, तो वॉकिंग में तो अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा ना। ऐसे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अब आए क्या आई एम लगा हुआ है जुमले में? नो सर, लगाएंगे ना, सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा या क्लास हो जाएगा। क्या लगा हुआ है? लगा तो नहीं हुआ ना, लगाएंगे ना, लगाएंगे ना अभी। जी जी सर, चले गुड हो गया। अभी मैं आपको साबित करता हूं सेंटेंस इसके साथ अलहदा से कैसे लग सकता है। याद रखिएगा कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन असल में आपकी क्लॉज है। आप क्लॉज समझेंगे तो आपको फ्रेज समझ आएगी। असल में बड़े मजे के कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ग्रामर की उन गुथियों को खोल रहा हूं जो गुथियां हमेशा प्रॉपर कभी खुली ही नहीं।
जो बुक्स में लिखी अधूरी सी बातें आप उनको लेकर चल रहे होते हैं, अब आपकी वो गुथियां पूरी खुल रही हैं। क्लॉज क्या है, फिर फ्रेज पर वापस जाता हूँ, क्लॉज और फ्रेज का एक डिस्टिंक्शन समझाते हुए, देन आपको इसरार साहब चीज समझ आएगी। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब तक सब्जेक्ट नहीं ना होगा वर्ब के साथ, आप उसको क्लॉज नहीं कह सकते। फिर एवरी सेंटेंस मस्ट हैव वन क्लॉज, हर सेंटेंस में एक क्लॉज होना जरूरी है। देखिए लिंक कैसे बनते जा रहे हैं, हर सेंटेंस में एक क्लॉज होना जरूरी है, हर वर्ड में एक मॉर्फिम होना जरूरी है, हर फ्रेज में एक वर्ड होना जरूरी है। देखो नीचे से ऊपर एक पूरी कैटेगरी है, इसको तो हायरार्की पढ़ रहे हम। हर सेंटेंस में एक क्लॉज जरूरी है, हर फ्रेज में एक वर्ड जरूरी है, और हर वर्ड में एक मॉर्फिम जरूरी है। अब आप आते हैं, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, दो क्लॉजेज हैं जी इसके अंदर। सारे स्टूडेंट्स देखें, यू विल पास, सब्जेक्ट वर्ब आ गया यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड दूसरी क्लॉज है, यू वर्क हार्ड, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अच्छा अब आते हैं फ्रेज पे, एक भी फिर हमारी क्लॉज और फ्रेज का फर्क क्या हुआ। आगे ओवर द कोट, मैंने इसको फ्रेज क्यों कहा, विद अ ग्रेट स्पीड वॉकिंग अलोंग द रोड, ये फ्रेजेस क्यों हैं? याद रखिएगा मेरी एक चीज, क्लियर रखिएगा बात कि फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अ क्लॉज, क्लॉज के साथ लग सकती है। चलें इसरार साहब मजे की आपको एग्जांपल देता हूं, आप बात मानने पे मजबूर हो जाएंगे। आई सा अ कॉफी स्टॉल वॉकिंग अलोंग द रोड, आई सा अ कॉफी स्टॉल वॉकिंग अलोंग द रोड। वॉकिंग अलोंग द रोड जो है, ये मुझे बताइए कि अपनी इस तौर पर अलैदा है कि ये लाजमी तौर पर क्लॉज के साथ अटैच करना पड़ेगा। आई सॉ अ कॉफी स्टॉल एक क्लॉज है, क्लॉज सेंटेंस बन सकती है, फ्रेज सेंटेंस नहीं बन सकती। अब आपको फर्क समझ आना शुरू हो जाएगा क्लॉज और फ्रेज का। अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस, अ फ्रेज कैन नॉट बी अ सेंटेंस एट इट्स ओन। That is why clause के अंदर subject verb होना जरूरी है। I think चीज समझ आई इस रार सब आपको कि walking along the road can not be a sentence, it can be a part of a sentence, it's a phrase। ठीक है जी, एक student का आया है जी, female student हमारी, तो sentence can be completed without subject or object। Sentence subject और object के बगैर वो बन सकता है जिसको आप कह रहे होते हैं आपका इंपेरेटिव जुमला, जैसे वर्क हार्ड, जैसे प्ले, स्लीप, लेकिन उसमें भी यू इंप्लाइड होता है। जब मैं कहता हूं स्लीप तो किसको कह रहा हूं, बोले तमाम लोग मुझे जवाब दे, मैं कहता हूं वर्क हार्ड किसको कह रहा हूं, मेरा इंप्लाइड, मेरा खुफिया सब्जेक्ट क्या है, जरा टाइप करके मुझे जवाब दे। जब मैं कह रहा हूं सिंग अ सॉन्ग, मैं किसको कह रहा हूं, सिंग अ सॉन्ग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाला जो जुमला है वो सेंटेंस बन सकता है। अभी वो एट द एंड मैंने ना आपको सेंटेंस की और फ्रेजेस और क्लॉजेस ढूंढना, आपको एक्टिविटी आएगी उसमें हम ढूंढेंगे, अच्छा ये फ्रेज है, ये वर्ड है, ये क्लॉज है, ये वो सारा कुछ आएगा। ओके जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं मैं पूछ रहा हूं, हम ना आपसे और बाकी स्टूडेंट से भी, जब मैं कहता हूं कि सिट डाउन तो मैं किसे कह रहा हूं, आई को कह रहा हूं, वी को कह रहा हूं, अली को कह रहा हूं कि यू को कह रहा हूं, सिट डाउन मुझे बताइए, सिट डाउन किसको क्या कहा जा रहा होता है। वो एक बच्चे ने अभी मुझे कहा था कि बगैर ऑब्जेक्ट के भी सब्जेक्ट के भी जुमला बनता है, तो मैं जब सिट डाउन कह रहा हूं बगैर सब्जेक्ट के जुमला बनाया, सिट डाउन फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस बन गया। सिट डाउन में सब्जेक्ट कौन है, कोई मुझे बता सकता है, आप में आंसर दे सकता है, चैट मेरे सामने ऑन है, सिट डाउन सब्जेक्ट कौन है असल में, जो मैं बोला नहीं है यू। मैं हमेशा अपने सामने वाले को कहूंगा सिट डाउन, जो मेरे पीछे है, जो छुपा हुआ है, जो कहीं गया हुआ उसको नहीं कहूंगा, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है जी, मैं उसको कहूंगा सेकंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यू को कहूंगा हमेशा सिट डाउन, ठीक है जी, यू, वो यू वहां मौजूद होता है। तो माय डियर जो अभी बात की थी आपने इकरान के जी, सब्जेक्ट सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
तो आप सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट इंप्लाइड होगा, और वो भी सिर्फ वो जुमले जो इंपेरेटिव है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने के अलावा मुझे कोई जुमला सब्जेक्ट के बगैर बना के दिखाए, कोई बच्चा कोई जुमला सब्जेक्ट के बगैर बना के दिखाए। एंड एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ क्लॉज, हमने पढ़ा हुआ है। कोई मुझे जुमला बना के दिखाए जो सब्जेक्ट के बगैर हो। ले जी, मुझे जवाब आ रहे हैं जी, तो वेरी गुड। रुबाब ने सेंड किया हरी अप, रन फास्ट। मुझे इकरान ने सेंड किया है असलम सेड सिट डाउन पुट लाइट ऑन इट। मुझे हमायूं ने सेंड किया है कि सर यू सेड सेंटेंस सिट डाउन, इट इज सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट। ठीक है जी, दैट्स अ ग्रेट शर्ट। हे दैट्स अ ग्रेट शर्ट, ठीक है। देखो दैट इज दैट सब्जेक्ट इज वर्ब, इट इज रेनिंग इट सब्जेक्ट इज रेनिंग वर्ब। कम इन, कम इन का यू देखें। अब आप, मैं अब आपको समझाता हूं क्या बना। फिनिश द वर्क, देखो आप जितने भी सेंटेंसेस बना रहे हैं जिनमें सब्जेक्ट मिसिंग है वो फर्स्ट फॉर्म से। मुझे कोई एक सेंटेंस बना के दिखाएं, कोई एक बना के दिखाएं जो कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू ना हुआ और सब्जेक्ट ना रखता हो। और जब मैं कहता हूं कि फिनिश होमवर्क, तो बच्चा पार्टी फिनिश होमवर्क में हमारा सब्जेक्ट यू है। जब मैं कहता हूं कीप क्वाइट, तो यू कीप क्वाइट, मैं यू को कह रहा हूं, मैं आई वी को नहीं कह रहा, मैं दे को नहीं कह रहा, मैं यू को कह रहा हूं जो मेरे सामने बैठा है। कीप क्वाइट, सिट डाउन, ठीक है। कम इन, तो कम इन किसे कह रहा हूं, जो मेरे सामने, यू, यू कम इन। तो बच्चा पार्टी वहां भी सब्जेक्ट मौजूद है यू, जो कि बस लिखा नहीं जाता, यू से मुखातिब है। क्या कोई ऐसा जुमला है जो आई एन जी फॉर्म से शुरू होता है और जुमले का सब्जेक्ट ही मौजूद ना हो जुमले में। वॉकिंग द रोड आई सा कॉफी स्टाइल, तो आई सा कॉफी स्टाइल तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, जुमला बन गया। इसका मतलब वॉकिंग अलोंग द रोड अकेला एक क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज ही हो सकता है। तो यहां से अब आपको बहुत सारी, हैज फिनिश्ड असाइनमेंट हैविंग सेड दैट, देखो हैज फिनिश्ड असाइनमेंट हैविंग सेड दैट। मजर मुझे बताएं, हैज फिनिश्ड असाइनमेंट हैविंग सेड दैट क्या सेंटेंसेस बनने की सलाहियत रखते हैं? मजर आप बताइए, हैज फिनिश्ड असाइनमेंट और हैविंग सेड दैट क्या क्लॉज सेंटेंस बनने की सलाहियत रखते हैं? क्या हैज फिनिश सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब ये फ्रेजेस है। दैट्स रियली गुड मजर, आपने नो का आंसर किया। मोस्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी फ्रेजेस। ना 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 ना, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। इंपेरेटिव सेंटेंस आपका क्लॉज होता है, क्लॉज से सेंटेंस बनता होता है बेटा। इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने बोला सब्जेक्ट है यू, जब मैं कहता हूं कम इन तो यू कम इन, जब मैं कहता हूं सिट डाउन तो यू सिट डाउन, सब्जेक्ट है, बस लिखा नहीं गया, नथिंग एल्स। अब आप ना, मैं एक चीज पे आगे आता हूं, फिर आपको एट द एंड इसमें चीजें समझ आएंगी, मैं क्लॉज को प्रॉपर समझा दूं आपको। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड में मैंने बोला दो क्लॉजेज है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बेटा, लेकिन एक बार हम ये पूरा करते हैं, सिर्फ ये बात फिर पूरा करते हैं आपको। शट द डोर यू को कहा जा रहा है, मैं किसी दे को नहीं कह रहा, मैं आई को नहीं कह रहा, मैं वी को नहीं कह रहा, मैं सामने वाले को कह रहा हूं यू शट द डोर। तो ये क्लॉज है, शट द डोर इज अ क्लॉज, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब, इट्स अ सेंटेंस। आइए आपको एक चीज समझाता हूं, एक बार सारे लोग आप क्लॉज समझ लें, फिर एक्सरसाइज करते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज अपना सब्जेक्ट वर्ब रखने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जब मैं कहता हूं आई टीच तो क्लॉज है, जब मैं कहता हूं दे आर सिंगिंग तो क्लॉज है, जब मैं कहता हूं सिट डाउन तो क्लॉज है। सिट डाउन कैसे क्लॉज है, भी यू मौजूद है, यू सिट डाउन, यू बस इम्प्लिसिट है, लिखा नहीं गया, खुफिया तौर पर मौजूद है। तो यू विल पास क्लॉज है, इफ यू वर्क हार्ड एक क्लॉज है, ये दो क्लॉजेस सेंटेंस। तो अबव सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस। आइए देखते हैं ये कौन कौन सी क्लॉजेस हैं। मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज की दो काइंड्स होती हैं जी, मैं आपके फिर क्वेश्चंस लेता हूं। क्लॉज की दो काइंड्स है, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी है सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, अभी समझ आएगी। मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैड इज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बच्चे एक बार ये बात समझ लें, फिर आपकी क्लॉज फ्रेज जो आखिरी एक्टिविटी है उसे समझ आ जाएगी। एट द एंड एक्टिविटी सॉल्व करते हैं अभी। मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बच्चे एक मिनट रुक जाएं अपने क्वेश्चंस को, आप एट द एंड आपके लेता हूं। इकरान, क्लॉज की बेसिकली दो काइंड्स ही हैं, बेसिक काइंड्स दो ही हैं। अच्छा लिखते जाए, इकरान कह रहा है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज दूसरी टाइप। चले इकरान थ्री काइंड्स मुझे हमें बताने जा रहे हैं। आगे इकरान बाकी काइंड्स कहां हैं?
इकरान वी आर वेटिंग फॉर अदर क्लॉजेज. अच्छा, और तीसरी सबॉर्डिनेट को कहेंगे आप ऐसे ही है. इकरान जिसको आप कह रहे हो ना प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो सेम है, बेसिकली सेम है. मेन काइंड्स दो ही हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रिंसिपल है, अभी साबित होगा आपको, वही प्रिंसिपल है वही इंडिपेंडेंट है. और दूसरी काइंड सबॉर्डिनेट क्लॉज है, या उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आर बेसिकली इज सेम. देखिए मैं आपको इस चीज को समझाता हूं. मेन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, डेफिनेशन देखें, दैट हैड इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट वही मतलब वर्ब, आप कह रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब. एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस एट इट्स ओन, और अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, अपने कदमों पर खड़ी हो सकती है. उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं. असल में मसला यह है कि जब ये मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज से जुड़ती है तो हम उसी इंडिपेंडेंट को मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह देते हैं. पर होती तो वो इंडिपेंडेंट ही है ना. मैं तब उसको मेन क्लॉज कहूं, प्रिंसिपल क्लॉज कहूं, मैं उसको तब इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकता हूं. याद रखिएगा, असल में सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज अगर मिल रही हो, जैसे ये जुमला गौर करें, पिछला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं. इकरान जो कहना चाह रहा है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, दो क्लॉजेज है. यू विल पास को मैं अलहदा करके एक जुमला बना सकता हूं, यू विल पास फुल स्टॉप, यू विल पास फुल स्टॉप. ये मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फुल स्टॉप. यू विल पास फुल स्टॉप, कोई मुझे जुमले की किसी की जरूरत नहीं है, ये मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हाँ, जुमले के अंदर मैं कह रहा हूं तो ये मेन क्लॉज है. इफ यू वर्क हार्ड है तो क्लॉज, सब्जेक्ट भी है, यू वर्क वर्ब भी है. मुझे ये बताएं, इफ यू वर्क हार्ड, क्या इसके एंड पर मैं अलहदा लिखकर, इफ यू वर्क हार्ड मैं अलहदा लिखूं, सेपरेट पेज पर लिख रहा हूं इफ यू वर्क हार्ड, क्या अब मैं इसके एंड पर अकेले इफ यू वर्क हार्ड के एंड पर फुल स्टॉप लगा के इसको एक सेंटेंस बना सकता हूं? अगर बना सकता हूं तो यस भेजे, अगर नहीं बना सकता तो नो भेजे. इफ यू वर्क हार्ड, क्या मैं अलहदा लिखकर एक सेंटेंस बना सकता हूं, फुल स्टॉप लगा सकता हूं? लो जी, मजर ने कहा है नो सर. आयशा नो सर, हमना नो सर, वेरी गुड. अमायमा नो, रबाब नो, लो बच्चा पार्टी हमायू नो, यस इट्स नो. तो यही फर्क है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज का या मेन क्लॉज का सबॉर्डिनेट क्लॉज से, माई डियर स्टूडेंट्स, के जो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अलहदा सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकती है. इट डजंट नीड एनी अदर सेंटेंस टू कंप्लीट इटसेल्फ, टू मेक अ सेंटेंस. इसको किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है, ये अकेली सेंटेंस बन जाए. सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होती तो क्लॉज ही है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सबॉर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ते हैं. सबॉर्डिनेट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इट कैन नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस एट इट्स ओन. ये एक सेंटेंस के तौर पर खुद नहीं खड़ी हो सकती, ये सेंटेंस नहीं बना सकती, ये इंडिपेंडेंट नहीं है. ये क्लॉज तो है, इट नीड्स, इफ यू वर्क हार्ड आगे लगाना पड़ेगा, यू विल सक्सीड, यू विल पास. ठीक है जी, अब देखते हैं बच्चों के क्या कमेंट्स आए. यस, इफ लगा के ही हम असल में इसको सबॉर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. हम इफ को फेंक तो नहीं सकते, जुमले में आ चुका है. When the doctor arrived, the patient had died. दो क्लॉजेज हैं. ये जुमला बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है. मैं एग्जांपल्स वो ले रहा हूं जो स्टूडेंट्स ने आम लाइफ में बहुत सुनी होती हैं. When the doctor had arrived, the patient, when the doctor arrived, the patient had died. तो when the doctor arrived भी क्लॉज है, doctor arrived. The patient had died भी क्लॉज है, the patient subject, had died verb. But when the doctor arrived एक subordinate clause है, एक dependent clause है. अपने कदमों पर when the doctor arrived को मैं लैदा लेकर सेंटेंस नहीं बना पाया, लेकिन the patient had died मैं लैदा लिख सकता हूं, इट कैन बी अ सेंटेंस. सो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन जुमले के अंदर मैं कहूंगा ये मेन क्लॉज है, अलहदा करके लिख दूंगा तो मैं कह दूंगा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द मेन क्लॉज. इकरान, आई थिंक आपको अब बात समझ आ गई होगी. बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज ही असल में मेन क्लॉज है. यूं कह लें कि मेन क्लॉज जुमले की होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज बनने की सलाहियत रखती है. इतनी सी बात है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास जुमले की मेन क्लॉज है. क्यों मेन क्लॉज है? क्योंकि इंडिपेंडेंट है. वो इंडिपेंडेंट है तो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है तो इंडिपेंडेंट है. एक ही बात है,
तो एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस, ठीक हो गया जी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो द पेशेंट हैड डाइड इंडिपेंडेंट है, बेशक पहले लिखे बाद में लिखे। द पेशेंट हैड डाइड को मैं लैदा करके अकेली लिख सकता हूं, द पेशेंट हैड डाइड फुल स्टॉप, लेकिन बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड मैं अलहदा करके अकेली नहीं लिख सकता, इट नीड्स एनदर क्लॉज विद इट। तो लो जी, अब आपको क्लॉज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस की और फ्रेजेस का फर्क समझ आ गया। भी फ्रेज तो जो हमने का सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन रखती नहीं है। अब आपको सेंटेंस समझाऊंगा तो और समझ आएगी क्लॉजेस की। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स That expresses a complete idea or thought is a sentence. आपके क्वेश्चन पर आता हूं, कुछ दो क्वेश्चन आ गए अभी और एक बार ये बात समझ लें, बड़ी मजे की बात होने जा रही है। A group of words that expresses a complete idea or thought is called a sentence. बड़ी मजे क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे पास डाइवर्जेंट स्टूडेंट्स ही आते हैं जी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एंट्रेंस टेस्ट क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ। इस वक्त मेरे पास कम अज कम कोई 3-4 इजला के स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस टेस्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और जहर वो सारे मुख्तलिफ टीचर से पढ़े हुए। अब आप लोगों को मेरे पास सीएसएस की क्लास है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है, यू पीपल बिलोंग टू सो मेनी डिफरेंट प्रोविंसेस फ्रॉम द होल कंट्री यू बिलोंग, कराची से, बलोचिस्तान से लोग मौजूद हैं, केपीके से, ऑल पंजाब से, तो इतने सारे डाइवर्जेंट लोग हैं, डाइवर्जेंट टीचर से। तो नाउ आई एम कलेक्टिंग यू टू वन आइडिया एंड रिफाइनिंग द थिंग्स टू अ सिंगल यूनिटी, एंड यस विद दोस ऑल प्रूफ्स दैट आर अवेलेबल इन ग्रामर बुक्स। अच्छा, सेंटेंस पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया और थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक बार ये बात पूरी समझ लें फिर आपके क्वेश्चन दो का आ चुके आंसर देता हूं। अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड पर लाजमी तौर पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तीन सेंटेंस एंडर है जी। या तो सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप लग सकता है, या क्वेश्चन मार्क आ सकता है, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तीनों में से कोई एक लाजम होगा। इन तीनों में से कोई एक भी ना आया तो सेंटेंस एंड नहीं हुआ जी, ना कॉमा, ना कॉलन, ना सेमी कॉलन, कोई भी सेंटेंस एंड नहीं करता, ये तीन सेंटेंस एंडर है। और एवरी सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बाकी सबॉर्डिनेट और जो उसके अंदर क्या नाम लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की तादाद हो ना हो, यू विल पास फुल स्टॉप लगाओ। क्लॉज और सेंटेंस का फर्क ही है, यू विल पास क्लॉज है, फुल स्टॉप लगाया सेंटेंस, और एक सेंटेंस के अंदर ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकती है। You will pass and I will give you a prize. You will pass if you work hard. दो clauses होंगी, एक independent, एक subordinate. एक sentence के अंदर 20 clauses हो सकती हैं, 50 clauses हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक independent clause sentence बना लेती है, कम से कम एक। He works hard एक clause है, independent clause है, he works hard. ये clause है, मैं full stop लगाता हूँ, sentence बन जाती है. That is the difference between a clause and a sentence. If you put a full stop, a question mark or sign of exclamation after a sentence, after a clause, independent clause, it becomes a sentence. He bought a book, full stop, sentence. Will it rain? Question mark, sentence. What a lovely scene it is. Emotions say, sign of exclamation, sentence. I think aap logon ko baat meri samajh aa gayi hogi. Lo ji, ab aapke questions pe aata hu aur hum exercise par bhi aa rahe hain. Balki ek ek karke lekar aate hain. पहले मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाता हूं जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है जी मुझे अभी, वही मुझे गाड़ी पिक करने आई हुई है, लेकिन मैं आपके ये क्लास जल्दी से जो है वो पूरी करता हूं जी। तो आई वेंट टू लाहौर टू टेक माई टेस्ट इन इंग्लिश, ठीक है। इकरान क्या कहना चाह रहे हो आप इसमें? इकरान क्या कहना चाह रहे हो? आई वेंट टू लाहौर टू टेक माई टेस्ट इन इंग्लिश। तो आई वेंट, ये एक सिंगल क्लॉज है। आई देखो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एक आया, आई वेंट टू लाहौर, आई वेंट टू लाहौर भी फ्रेज है, टू टेक माय टेस्ट इन इंग्लिश भी फ्रेज है, ठीक है जी। सर जी प्लीज हमें माइक ऑन करने की परमिशन दे दें, अभी करता हूं, हम ना आप लोगों को देता हूं। नाउन क्लॉज, जेरंड क्लॉज, इन्फिनिटिव क्लॉज, ये नाउन क्लॉज, जेरंड क्लॉज, इन्फिनिटिव क्लॉज, ये माय डियर डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स है। मेरे याद रखिएगा, ये क्लॉज की दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज की तीन काइंड्स हैं। ये जो तीन काइंड्स आपने इकरान दी है ना, देखें मैं अब आप लोगों को बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं। यहां देखो, आपने समझा था ये क्लॉजेस की काइंड्स हैं, ये क्लॉजेस की काइंड्स नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस की काइंड्स हैं। नाउन क्लॉज में एक डिपेंडेंट क्लॉज ही होती है, जेरंड क्लॉज,
और जेरंड क्लॉज असल में नाउन क्लॉज है, याद रखिएगा मेरी एक बात, इन्फिनिटिव क्लॉज भी एक नाउन क्लॉज ही है असल में। इन चीजों को हम सीखेंगे, इन्फिनिटिव नाउन ही होता है, याद रखिएगा, बेसिकली होता है वो वर्ब से, जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों एक्सल में नाउन होते हैं, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। रियली गुड। अच्छा जी, अब आते हैं आप लोगों को, माइक ऑन करने की मैं परमिशन दे रहा हूँ जल्दी से, जो है मेरे कोलीग्स मेरे बाहर वेट कर रहे हैं, दे आर टू पिक मी अप, देयर इज अ अर्जेंट मीटिंग, तो मैं जल्दी से जो है सबके माइक ऑन करने की परमिशन दे चुका हूँ। जो जो माइक ऑन करना चाहता है वो माइक ऑन कर सकता है जी, जो भी माइक ऑन करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन अब आप हम करेंगे एक्सरसाइज जल्दी से। अच्छा, माइक ऑन करके छोड़ना नहीं है बेटा। वी विजिटेड, माय फैमिली विजिटेड मेनी प्लेसेस दिस ईयर, मुझे बताइए ये सेंटेंस बन सकता है, मेनी नहीं बन सकता है कि नहीं बन सकता, माय फैमिली विजिटेड मेनी प्लेसेस दिस ईयर, एक सेंटेंस है ये सेंटेंस, बस फुल स्टॉप लगाऊं सेंटेंस, मैंने कहा था क्लॉज और सेंटेंस, एक फुल स्टॉप लगाऊं सेंटेंस, दैट्स नथिंग, यस सर, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं जो अगला आ रहा है आपके पास, गोइंग टू द हाउस, क्या ये फुल स्टॉप लगाऊं सेंटेंस बन सकते हैं? नो सर। तो इट इज नॉट अ क्लॉज, अब बात समझ आ रही होगी आपको एसन मेरी बात की, कि वॉकिंग ऑन द रोड सेंटेंस क्लॉज क्यों नहीं है, वो फ्रेज क्यों कहना पड़ा, क्योंकि ये सेंटेंस बनने की सलाहियत नहीं रखता, इट्स अ फ्रेज, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई सॉ मेनी पीपल गोइंग टू द हाउस, आई सॉ मेनी पीपल, आई सॉ क्लॉज, आई सॉ गोइंग टू द हाउस, उसके अंदर एडिड फ्रेज है, मेरी बात समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसमें हम कह रहे हैं गोइंग टू द हाउस, लेकिन हम इसमें ये भी तो कंसीडर कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू द हाउस, मतलब सब्जेक्ट है, लेकिन भाई आपने लिखना कुछ नहीं, आपने यही फैसला करना है सर, हम ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरह आप कह रहे थे सर सिट डाउन, तो मतलब उसमें सिट डाउन के अंदर मैं कुछ ऐड किया, अच्छा सिट डाउन के साथ मैं कोई, एक मिनट सुन लो, सिट डाउन के साथ मैं एक लफ्ज ऐड ना करूं, फुल स्टॉप लगा दूं, काम चल जाएगा तो सर वो फिर सेंटेंस नहीं होगा ना, सिट डाउन के एंड पर सेंटेंस क्यों नहीं बनेगा, सिट डाउन के एंड पर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, तो सर फिर अगर उसमें तो सब्जेक्ट सर है तो सही, अंडरस्टूड है, लेकिन है नहीं, लिखा नहीं, लिखा नहीं है, फिर वो मुझे लिखने की जरूरत भी पेश नहीं आई, तो सर मुझे लिखने की जरूरत पेश आई, तो सर हम ये तो अक्सर कहते रहते हैं गोइंग टू द हाउस, गोइंग टू द स्कूल, बिकॉज हम इसमें बाद में स्पेशल हम लैंग्वेज में वर्ड्स भी तो यूज करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, हाउस, वेयर डू यू लिव, ठीक है जी, पाकिस्तान, अबे क्या अकेले पाकिस्तान को अब मैं क्लॉज करना शुरू कर दूं, बोलो बोलो मेरे भाई, क्या मैं अकेले पाकिस्तान को, ठीक हो गया, चले अब समझ आई ना, मैंने कहा एंड पर समझ आएगी, सारी चीजें कर लो एक बार। अच्छा जल्दी से, मेक थिंग्स बाय हैंड, ये सेंटेंस बनने की सलाहियत रखती है, कैसे पता लगा? यस सर, मैं फुल स्टॉप लगा लूं, ठीक है, मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूं, ये है इंपेरेटिव, अपने हाथों से चीजें बनाओ, मेक थिंग्स बाय हैंड फुल स्टॉप, सिट डाउन फुल स्टॉप, ठीक है जी, वर्क हार्ड फुल स्टॉप, मेक थिंग्स बाय हैंड फुल स्टॉप, इट्स अ सेंटेंस, आप समझ आ गई एसन? हम ना आपका माइक ऑन करने की मैंने आपको इजाजत दी हुई है, आप माइक ऑन कर सकते हैं बेटा। अच्छा जी, मशीन्स चेंज पीपल्स लाइफ, लाइव्स, फुल स्टॉप लगा लूं? यस सर, यस सर, इट कैन बी अ सेंटेंस। आखिरी वाला, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, अभी भी एग्जांपल दी थी, क्या व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड के एंड पर फुल स्टॉप लगा लूं? नो सर, आई थिंक नो, उसकी रीजन नो की क्यों है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्लॉज तो है लेकिन सबॉर्डिनेट, और सबॉर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट मेक अ सेंटेंस एट इट्स ओन, इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेली जुमला बना सकती है, सबॉर्डिनेट क्लॉज अकेली जुमला नहीं बना सकती। आई थिंक आज आपको ग्रामेटिकल हायरार्की सही वाली समझ आई होगी, और मुझे बड़ा मजा आया कि बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, अपना जो प्रायर नॉलेज था मेरे सामने रखा कि सर हमने ये पढ़ा हुआ है, सर हम ये जानते हैं, और उस पर वो डटे भी, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी भी थी, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट
आई होप के क्लियर भी हुई होंगी. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव टू गो फॉर द मीटिंग. आई एम एंडिंग द क्लास टुडे. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ये स्लाइड्स में सेंड कर दूंगा आपको बेटा. कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप डायरेक्टली जो है मुझसे रब्ता व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं. आई वुड बी देयर टू आंसर यू पीपल इंशाल्लाह जी. और व्हाट्सएप अप कीजिएगा स्लाइड शेयर होने के बाद. और मैं आपको इसके बेस पर भी एक टेस्ट भेजूंगा. जो आज मैंने टेस्ट भेजे थे आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, जो टेस्ट सेंड किए थे आपको टीम्स के अंदर उसके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में और गूगल क्लासरूम में. रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम से कर रहे होंगे. और मैंने ना आप लोगों को एक असाइनमेंट कहा है, रोज आपने बेटा एक डेढ़ पेज लिखकर अखबार न्यूज़पेपर के अंदर से, इंग्लिश न्यूज़पेपर से कोई एक आर्टिकल या न्यूज़पेपर पढ़कर उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखकर भेजनी है, अपना एनालिसिस लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना है. लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कर पाएंगे. रीजन क्यों, इतने सारे लोगों का मैं रोजाना सब्जेक्टिव पेजेस नहीं चेक कर सकता. इससे आप लोगों की मैं मिस्टेक रिमूव करूंगा और आप लोगों का एक बेटर राइटर, एक क्रिएटिव राइटर और एक फ्लॉलेस राइटर बनने में हेल्प करूंगा. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज जी.